अगर आपका भी फेसबुक का पे आउट रिस्ट्रिक्ट हो चुका है तो ये वीडियो आपके लिए कमाल की है। आप देख सकते हो योर पेमेंट अकाउंट इज रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द मोटेशंस। अगर फेसबुक पेज पे आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है तो आप देख सकते हो मेरा नाम इसरार है, मोहम्मद इसरार, तो यहाँ पे मेरा पे आउट है, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा है पे आउट अकाउंट वॉज डिसेबल ड्यू टू अनयूजुअल एक्टिविटी, प्लीज विजिट द हेल्प सेंटर टू लर्न अबाउट मोटेशन पॉलिसी। यानी कि अब जो मेरी अर्निंग है वो नहीं हो रही है। अगर आपको मैं लेके चलता हूँ अपने कहाँ पर पेज पे मोटेशन सेक्शन पे लेके जाता हूँ तो आप देख सकते हो लास्ट 7 डेज में मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। और अगर इन स्ट्रीम एड में जाता हूँ तब भी मेरी अर्निंग नहीं हो रही है। व्यू अर्निंग ऑप्शंस में जाता हूँ मैं यहाँ पे तो तब भी मेरी अर्निंग नहीं हो रही है, मतलब मेरी अर्निंग हो ही नहीं है। और मैंने चेक भी नहीं किया, मैंने सोचा भाई हो रही होगी बट यहाँ पे नहीं हो रही है। लास्ट 20 डेज में मेरी जो है ना अर्निंग एस्टिमेटेड है पर यहाँ पे जो RPM वगैरह मिल रहा है बहुत कम है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको लास्ट 90 डेज का दिखाऊँ तो तब भी मेरी यहाँ पे अर्निंग नहीं, ये इतना अर्निंग हुआ है, मतलब यहाँ पे जाकर मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गई है। फिर मैंने सोचा भाई सब कुछ तो ठीक है, मेरा मोटेशंस भी जो है ऑन है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ मोटेशन में जाता हूँ, मैं परेशान हो गया। सबसे पहले यहाँ पे मैं गया कि यहाँ पे नो मोटेशन ब्रीच, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। व्यू एलिजिबिलिटी में गया, सब कुछ ठीक है। एजुकेशन में गया तो यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे एजुकेशन कंटेंट इज डेवलपमेंट, ठीक है। पीयर वर्किंग अपडेट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम द क्रिएटर सपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे मुझे कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं लगी। एड्स ऑन रील में मैंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं, स्ट्रीम एड में देखा, बोनस में देखा, मेरा कोई वोल्यूशन नहीं है। पॉलिसी इशूज़ में देखा मैंने, तो यहाँ पॉलिसी इशूज़ में मैंने जब देखा यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरा इस तरह से इंटरफेस मेरे सामने ओपन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ पे कोई वोल्यूशन नहीं है। मोटेशन टूल में देखा मैंने कोई वोल्यूशन नहीं है, उसके बाद यहाँ पे कोई भी वोल्यूशन नहीं है। उसके बाद पे आउट सेटिंग्स में मैं गया तो यहाँ पे मैंने देखा कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी सब कुछ एवरीथिंग इज ओके। तो यहाँ पे उसके बाद 6 मेरे दूसरा पे आउट है, मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे थोड़ा ब्लर कर दूंगा लास्ट वाले डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया तो मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिली, व्यू सपोर्ट इनबॉक्स, ठीक है। उसके बाद मैं कैंसिल पे, यहाँ पे क्लोज पे क्लिक किया तो मेरे वो बताया गया कि आपके इस पेज पे जो है ना अनयूजुअल एक्टिविटी हुई है, इस वजह से आपका जो पे आउट है वो डिसेबल हो गया। अब मेरी अर्निंग तो नहीं हो रही है, मैं परेशान हो गया। मैं काफ़ी दिन से चेक नहीं करता हूँ ज़्यादातर, तो मैं जब चेक किया मैं हैरान रह गया। बट इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर आपको करना क्या पड़ेगा, फिर मैंने सपोर्ट टीम से बात करी। उसके बाद मैं गया सपोर्ट के ऑप्शन पे, इस पर क्लिक करने के बाद में उसके बाद गेट मोर हेल्प में क्लिक किया। क्लिक करने के बाद में यहाँ पे मिलेगा वाई हैव नॉट रिसीव माई पेमेंट अकाउंट, ठीक है। वहाँ पे मैं क्लिक किया, उसके बाद कैन नॉट इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मैंने पे आउट इन स्ट्रीम का पे आउट चुना और यहाँ पे जो मेरी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने लिखा। लिखने के बाद में सेंड पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा क्या, ज़्यादातर ये लिखा है कि मेरा जो पे आउट अकाउंट है वो यहाँ पे डिसेबल हो गया है, क्योंकि डिसेबल इस वजह से हुआ है, मेरा पेज हैक हुआ, जब मेरा ये पेज रिकवर हुआ तो मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करने को पड़ रही है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे बोली थी, तो वो मैंने लिखा था। 2-3 वर्ड आप भी लिख सकते हैं, आपके साथ कुछ और केस हो सकता है, आप ये लिख सकते हो कि मेरे को मुझे नहीं पता कि किस वजह से हुई है बट आप मेरी इस प्रॉब्लम को दूर करो, उनको आप इस तरह का मैसेज लिख सकते हो। अगर आपको नहीं पता तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या फिर हमारे फेसबुक पेज पर जाइए, वहाँ पर मुझसे बात करिए, ठीक है। इसरार अर्निंग के नाम से हमारे फेसबुक पेज बनाया, या फिर टेक्निकल इसरार पे भी जा सकते हैं। उसके बाद मेरा केस यहाँ पे चला है, आप देख सकते हो, इसने बोला कि आपको परमिशन वर्मिशन नहीं है, ये उठपटांग कुछ भी लिख देगा। फिर आपको कुछ रिप्लाई करना है, रिप्लाई क्या करना है, रिप्लाई ये करना है, देखो ये केस यहीं पे चल रहा है। फिर मैंने लिखा है कि डियर टीम आई हैव नो कंपनी, मैं कोई कंपनी है, मेरा पेज हैक हो गया था, ये वो शो, और जो है ना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है ना, मैं अभी एड और नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैंने अपने पेज का नाम दिया और अपने प्रोफाइल का नाम दिया। उसके बाद इन्होंने बोला कि आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं एडम ने मेरे को बोला, ठीक है, ये एडम जो है ना बहुत बकवास करता है, ये पता नहीं क्या करता है, इसको कुछ समझ में नहीं है, एडम को इस पर मुझे बहुत गुस्सा आती है। उसके बाद मैं ऊपर की तरफ जाता हूँ, मैंने क्या लिखा जरा देखिए, मैं लिखा डियर एडम, ओ गॉड व्हाट आर यू नॉट रीडिंग द मैसेज केयरफुली, वेरी सैड आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द हैकिंग। मैंने हैकिंग के बारे में कुछ पूछा ही नहीं है, ये इतना दिमाग खराब करता है। फिर मैंने दोबारा से इनसे ये बोला, इन्होंने मेरे को बोला रिचल ने, तो मैंने रिचल को बोला। फिर उसके बाद रिचल को मैंने बोला कि आप प्रीवियस मैसेज रीड करो। फिर यहाँ पे इस तरह से ये चलता रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला है कि भाई आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, अपडेट क्या है। फिर मैंने दोबारा से इनको ये डाला, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको हिडन कर दूंगा। उसके बाद फिर मैंने इन्होंने बोला है कि हम आपके, ये एक्चुअली में ये बहुत स्मार्ट है, जियोर्ज जो है ना ये स्मार्ट है, ये बहुत हाई है, सीनियर भी है इनका, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ये आता है आपकी प्रॉब्लम दूर कर देता है। उसके बाद मैं ऊपर जाता हूँ, उसके बाद ये बोल रहा है कि हम आपको वर्किंग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ना इनकी ये प्रॉब्लम जो है अभी चल रही है। और फिर अब इन्होंने बोला है कि आपका जो पेमेंट है वो इनिशिएटिव हो चुका है, ये हो चुका है, वो हो चुका है, ये आपको करना है।
फिर एडम ने मेरे को रिप्लाई दिया, ये वाला एडम ने, इस एडम पे मुझे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये पता नहीं क्या बोलता है, ये आउट ऑफ कॉन्टेंट ही मेरे को देता है हमेशा। ठीक है, इसने एक चीज़ बोली, मैंने इसको फिर लिखा, मैं कहा भाई तू क्या बोल रहे हैं, मेरा इशू कुछ और है, आप कुछ और लिख रहे हो। तो इस तरह से फाइट करनी पड़ती है। फिर ये प्रॉब्लम किसी दिनों के बाद में ये प्रॉब्लम जो है दूर हो जाती है। तो इस तरह से आपको जो है ना सपोर्ट टीम से इनसे बात करनी पड़ेगी और आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, मेरी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं भी एक नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा कि कैसे कैसे दूर हुई है। तो इस तरह से आपको क्या काम करना है, सिर्फ काम करना है और फॉलोअप लेते रहना है, आपकी ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी दूर हो जाएगी। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद।